साजिद आरूफी है, जावेद की कोई कमी ना है, जावेद हार ना हुआ। अच्छा हाँ, जावेद ही मट्टी लगाए। अच्छा जय कहने चाहिए बाने करा वह भरेगा। अच्छा। मगर जावेद बच जाए क्यों वो हो ना हुआ। बदायूं की घटना में आरोपी साजिद जो पुलिस से एनकाउंटर में ढेर हुआ है, इस समय टाइम्स नाउ की टीम साजिद के घर पहुंची है और देखिए यहाँ पुलिस भी मौजूद है। इधर तस्वीरों में दिखाएं तो ये साजिद का घर है जिसको पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। घर के बाहर जो है पूरा घर बंद है, घर में कोई नहीं है। फिलहाल बताया जा रहा है कि जो साजिद की माँ है वो मोर्चरी साजिद के सबको लेने गई है। यहाँ हम जो है तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि मौके पर पहुँचे हैं, साजिद के घर से सीधे ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि जो आरोपी साजिद है उसके घर पर कोई भी मौजूद नहीं है। और यहाँ तमाम जो एहतियात है उसको बरतने के लिए पुलिस ज़रूर मौजूद है, क्योंकि जिस तरह जो घटना पूरे घटनाक्रम में बदायूं में लोगों में आक्रोश था और उसके बाद कहीं ना कहीं साजिद के घर पर भी पुलिस तैनात कर दी गई है। यहाँ एक बूढ़ी दादी बैठी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा नाम पत्ता ना है। अच्छा अम्मा, जो साजिद था आरोपी वो कौन था आपका? पोता था। अच्छा, मगर साजिद आरूफी है, जावेद की कोई कमी ना है, जावेद हार ना हुआ। अच्छा हाँ, जावेद ही मट्टी लगाए। अच्छा अम्मा, जिस तरह साजिद और जावेद का दोनों का नाम आया है तो क्या लग रहा है कि साजिद पहले भी साजिद का कैसा व्यवहार रहता था? कैसा ना, पूत बदाम काम करते दुकान पर, अब न मालूम इसने कैसा क्या करा, हम संग तो है ना। अच्छा, मगर जावेद ना आया के संग। अच्छा, यह अकेला। अच्छा आप दादी हैं साजिद की, तो क्या लग रहा है जिस तरह घटना को पूरी अंजाम दिया, क्या चर्चाएँ चल रही? तांत्रिक का काम भी करता था कुछ? क्या कुछ ना, पूत बार बनाता उस तरह से। अच्छा, दुकान है या कि हुई, दोनों भैया दुकान पर रहते हैं। अच्छा, जिस तरह आपको जानकारी होगी कि उस बाल बनाने काम करता था, लेकिन दो बच्चों के साथ जो घटना घटित हुई है तो क्या क्या कहना चाहेंगे आप? जय कहने चाहिए बाने करा वह भरेगा। अच्छा। मगर जावेद बच जाए क्यों वो हो ना हुआ। अच्छा, घर घर जो है घर पूरी तरह से बंद है, आप अकेली घर के बाहर बैठी हैं। हाँ। कहाँ बाकी लोग कहाँ गए सब? उसकी माँ गई है लेने को उसे। अच्छा, और बाप भैया डर के मारे भाग गए। अच्छा। जब तुम बुलाओगे तो वे आ मांगे। ये आरोपी साजिद और जावेद जो है कितने भाई हैं? तीन भाई हैं। क्या क्या नाम है, कौन बड़ा है इनमें? साजिद बड़ा है, जावेद मंजिला है, मुनाजे छोटा है। अच्छा, तो वहाँ जो दुकान पे कौन कौन काम करते थे? जी जावेद और साजिद। अच्छा, अब वो एक छोटा लड़का। अच्छा, वो अपने बापक कने रहता हुआ। तो ये थी आरोपी साजिद की दादी, और इनका साफ तौर पे कहना है कि जो आरोपी साजिद है उसने जिस तरह घटना को अंजाम दिया और उसने वो भुगता है, लेकिन ये जावेद को पूरे घटनाक्रम में होने से इनकार करती नज़र आ रही। लेकिन फिलहाल जो साजिद आरोपी है उसका घर जो है वहाँ घर से पूरा परिवार फरार है, पूरा परिवार गायब चल रहा है, और इनका कहना है कि जो आरोपी साजिद है उसकी माँ उसके सबको लेने मोर्चरी गई हुई है। टाइम्स ऑफ भारत के लिए सोनू कुमार बदायूं।